Bismillah rahman rahim. Respected teachers and dear students, alaikum I am Wakas Ahmed, and today we will discuss about mathematics grade five. This is our unit number three and lesson number three. Our SLOs are add, add, and subtract two or three fractions with different denominators.

फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड राइट यूर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने एडिशन और के लिए फोर स्टेप्स बताए थे हर एक के लिए तो उन्हीं को अप्लाई करें और इनको आपने सॉल्व करना है और खुद सॉल्व करना है और इस फिर सॉल्व करने के बाद अपनी नोटबुक के ऊपर अपना जो रिजल्ट है या अपना सॉल्यूशन है वो उस सॉल्यूशन के साथ आपने टैली करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और एट द एंड आपने अपनी जो नोटबुक है अपनी टीचर को सबमिट करवानी है उससे पहले आपने सोलन मैनुअल को नहीं देखना पहले आपने इसको सॉल्व करना है देखिए पार्ट ओवर ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड देन टू बाय थ्री ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है इन दोनों को ऐड करने के लिए इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है सेम कैसे करेंगे एलसीएम लेंगे एलसीएम क्या आएगा नाइन आएगा दोनों का डिनोमिनेटर्स का और जब नाइन आएगा तो इसको नाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा थ्री थ्री थी थी थ्री नाइन थ्री टू झार सिक्स होते हैं और ये आप जब इसको मल्टीप्लाई किया थ्री से तो आपके पास क्या बना सिक्स ओवर नाइन अब दोनों को आपने नोमिनेटर को एड कर देना है क्या बनेगा सिक्स और फाइव इलेवन इलेवन ओवर नाइन जो है आपका रिजल्ट आता है अलेवन ओवर नाइन अब आपने इसको मिक्स फॉर्म में राइट करना चाहे मिक्स में राइट कर दे और अगर सिंप्लीफाई होते हैं तो सिंप्लीफाई कर, कर सकते हैं है। आप लोगों ने अप्लाई वही फॉर्मूला करना है या रूल्स करने बताए एंड देन आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है सब के लिए भी सेम आपने रूल यूज करना है सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है एंड देन पहले अगर मिक्स मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं तो उनको आपने इमर में चेंज करना है देन उनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं सेम करने के बाद फिर आपने उनको सब कर देना है जिस तरह यहां पर क्या है थर्टीन ओवर फोर्टीन और ये हमारे पास टू बाई सेवन है डिनोमिनेटर सेम करेंगे सेम करने के लिए नीचे वाले जो दोनों नंबर्स हैं इनका एलसीएम लेंगे एलसीएम फोर्टीन आता है तो डिनोमिनेटर दोनों का फोर्टीन होना चाहिए जब फोर्टीन आ जाएगा फिर उसके बाद आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया तो इसका बना फोर ओवर फोर्टीन थर्टीन में से फोर सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास नाइन ओवर फोर्टीन ये रिजल्ट बन गया आपका इसी तरह आपने अगले सारे पार्ट जो है वो कंप्लीट करने हैं तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने गौर से पढ़ना है पढ़ने के बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा ऑपरेशन यहां पर यूज होना है एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का अबास बॉड थ्री होल टू ओवर फाइव लीटर ऑफ पेट्रोल एंड अली बॉड एट हो, होल थ्री ओवर टेन लीटर्स ऑफ पेट्रोल देखें यहां पर आपको ऑब्जर्व करें होल नंबर्स को देखें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ग्रेटर है इसका होल नंबर क्या है एट है इसके इसका थ्री है सो so, जो एट है वो ग्रेटर है तो इसका मतलब ये ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है और ये लेस है। और लेस अब आपने आपको पता चल गया इस से आपने ये कर देना है, अगर करना है जहां पर का मतलब आ गया वहां पर आपने एडिशन करनी है तो दोनों फ्रैक्शन को आप एड करेंगे अगर यहां पर नेक्स्ट पार्ट में क्या है हाउ मच मोर पेट्रोल डेट अली बाय अबास यहां से हमें पता चल गया कि ग्रेटर कौन सी है अगर हम उनको कंपेयर करें वहां से भी पता चल गया हम लोगों ने एट होल थ्री ओवर टेन में से इसको कर देना है देन आपने वही अप्लाई करने हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताए हैं इसी तरह आपने क्वेश्चन फोर और फाइव को पढ़ के अंडरस्टैंड करना है और फिर सॉल्व करके अपने टीचर को सबमिट करवाना है अब नेक्स्ट आ जाए प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट क्या है मेक अ चार्ट ऑफ इनग्रीडियंट्स यूज इन बिरयानी जो इनग्रीडियंटी में यूज होते हैं बनाने के लिए वो आपने चार्ट पेपर के ऊपर राइट कर देने एंड देन राइट हाउ मच टेबल स्पून ऑफ स्पाइसेस आर यूज डेड यू लर्न अबाउट फ्रैक्शन एंड यूज इट उसमें जो टी स्पून आप यूज करते हैं कोई आ, हर जो इंडिविजुअल होता है उसका टेस्ट डिफरेंट होता है तो इसलिए आपने देखना है कि कौन कितने टीस्पून या टेबलस्पून यूज कर सकते हैं जो आप वगैरह बिरयानी बनाने में यूज करते हैं हैं या इंग्रेडिएंट तो वो आपने ऑब्जर्व करने और फिर आपने बताना है कि कहां कहां पर आप लोगों ने फ्रैक्शन का यूज किया और टोटल इंग्रेडिएंट जो यूज हुआ और जो गिवन फ्रैक्शन होंगी उनको आपने एड करना है और इसके लिए आपने चार्ट पेपर तैयार करना है एंड देन आपने अपनी टीचर को सबमिट करना है तो अब आ जाए नेक्स्ट एक और प्रोजेक्ट है जिसको आपने कंप्लीट करना है आप ऑब्जर्व करें इनको एड एंड सब्रैक्ट द फॉलोइंग एडिशन साइन से हमें पता चल जाता है कि हमने ये दोनों जो सर्कल्स बने हुए हैं इनको हमने ऐड करना है और इसको हम लोगों ने सब करना है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर डिफरेंट है चेक करें और उसके बाद आप इनको उसमें फिगर्स में, में राइट करें किस तरह देखें ये हमारे पास वन टू थ्री फोर मीन के टू बाय एट क्योंकि टू पार्ट्स जो है कलर है और इसके फोर बाय एट है तो दोनों को एड कर दें तो आपका रिजल्ट क्या आएगा सिक्स बाय एट तो एक ऐसी फ्रैक्शन बनेगी एक ऐसा सर्कल बनेगा जिसके जो आपके पास सिक्स पार्ट्स जो हैं वो कलर्ड होंगे और बाकी जो है वो आपके पास अनकलर्ड होगा तो ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन बन जाएगी ए सिक्स ओवर एट इसी तरह आपने सब का क्वेश्चन सॉल्व करना है और देन आपने इनको टीचर को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सोल्यूशन के साथ अपना रिजल्ट्स को मैच करें अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या चीजें अवेलेबल हैं? सोल्यूशन मैनुअल फॉर एक्सरसाइज थ्री ए